嗯。Mm.

पढ़ने की स्थिति में आते हो आप लोग लग तो नहीं रहे तेवर आप लोगों के जब मैं क्लास में एंट्री कर जाऊं तो उस समय आप लोगों को मेडिटेशन में चले जाना चाहिए मेडिटेशन दो तरह का होता है आंख खोलकर और आंख बंद करके तो आपको एकदम से शांत कमर सीधी करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठ जाना चाहिए और जो विचार चल रहे हैं वो सारे विचारों को स्टॉप करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम क्या नया पढ़ेंगे क्या सीखेंगे और उसके लिए जो आपके विचार चल रहे हैं उनको स्टॉप करना बेहद ज़रूरी होता है आप लोग ये हमेशा सोचते होंगे कि मैं पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता हमेशा भूल जाता हूँ क्या कोई ऐसा तरीका है जो मुझे याद रहे तो तरीका ये है कि जब आप पढ़ते हो ना तो आप अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करके नहीं पढ़ते आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं आपको पता है हमारे मस्तिष्क में एक मिनट में कितने हजार विचार घूम जाते हैं हम्म रिसर्चर ये कहते हैं कि दस हजार विचार हमारे दिमाग में एक मिनट में घूम जाते हैं इतनी कैपेसिटी है हमारे दिमाग की तो आप ये सोचो कि इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक में आपको हिंदी को भी एक विचार हिंदी का भी आपको सुनना है समझना है तो कैसे फिर तो गाड़ी फंस जाएगी ना तो फिर गाड़ी स्मूथ चले तो उसके लिए क्या करना है वो जो विचार आ रहे हैं उनको क्या करना है शांत करना है और विचारों को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है तो विचारों को शांत करने का तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल स्थिर बैठे और ये चेक करें कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूं जिस समय आप ये चेक करते हैं कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूं तो आपका जो माइंड है वो अलर्ट हो जाता है और वो समझ जाता है अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी इसकी नजर मुझ पर आ गई है आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है आपने कभी देखा अपने अंदर एक से दो तीन कभी कभी हम तीन लोग हो जाते हैं अंदर कभी महसूस किया है ऐसा नहीं जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं और जिन्होंने महसूस नहीं किया है इसका मतलब वो जीवन को जी नहीं रहे बस ऐसी काट रहे हैं है ना? तो ध्यान रखो आपके अंदर ना तीन चीजें जैसे आप चाहे मन बुद्धि आत्मा ये कह सकते हैं या फिर आप तीन मस्तिष्क कह सकते हैं अगर साइंस के रूप में आए आपका जो मस्तिष्क तीन हिस्सों में बटा होता है तो आप जो भी कह सकते हैं हमारे अंदर तीन पॉइंट यानी तीन चीजें होती हैं जो हमें कंट्रोल कर रही होती हैं अगर हम नॉर्मल चीजों में समझें अगर समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे पता चलता है अब एक चीज आप सीख ही लो ठीक है काम आएगी एक शब्द है मन एक शब्द है अच्छा इसको पहले रखते हैं बुद्धि बीच में एक तरफ मन एक तरफ आत्मा या आप इसे कह सकते हो यह है एक तराजू ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव ठीक है आपके दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है ये कहेगा अच्छा काम करो जल्दी उठ जाओ सुबह में पढ़ाई करो आपको जॉब पानी है ये आपको ये सारी चीज़ कहेगा ये कहेगा अरे पाँच मिनट और सो ले क्या करेगा मिल जाएगी जॉब कहीं वो नहीं हो रहा ये आपको नेगेटिव लेके जाएगा ये तोलता रहता है करना है कि नहीं करना है और डिसीजन लेने का काम इसका है जिस चीज को अगर ये इधर चला गया तो सही हो जाएगा और इधर चला गया तो गलत हो जाएगा या आपका काम होता है कि आपको इसे किस दिशा में भेजना है समझ गए ये हो आप इसको कहा गया है मानव रूप इसको कहा गया है ईश्वरीय रूप दैवीय रूप और इसको कहा गया है राक्षस रूप ये आपके ऊपर निर्भर करता है ध्यान रखिए अगर आध्यात्मिक की बात करेंगे हम तो आध्यात्म हमें बताता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है या ईश्वर की ऐसी बनाई हुई कृति है जिसके पास जो पांच तत्वों से मिलकर बना है और मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसता है और राक्षस भी तरसता है क्योंकि राक्षस के अंदर केवल और केवल बुराई होती है और देवता के अंदर केवल और केवल अच्छाई होती है एकमात्र मनुष्य ही है ऐसा जिसके पास अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और वो अपनी बुद्धि से रास्ता चुनता है अगर वो पॉजिटिव पे जाता है तो नर से नारायण बन जाता है और अगर नेगेटिव जाता है तो फिर वो ब्राह्मण से रावण बन जाता है समझ रहे हैं ना तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है तो ये तो आध्यात्म वाली चीज थी पर मैं जो आपको बताना चाहती हूँ उस पर ध्यान दो जिस समय आप यहाँ पे लोग बैठे हो आप लोग तो आ, या फिर जैसे मैं आती हूँ तो आप लोग मुझे अगर मेरे इस पोडियम से अलग देखेंगे तो आप मुझे बिल्कुल अलग पाएंगे लेकिन जब मैं यहाँ होती हूँ तो यहाँ आप बिल्कुल अलग देखते हैं ये दो रूप कैसे आते हैं आपने देखा होगा कि मैं कई बार आके बहुत शांत रहती हूँ यहाँ पर आ जाओ जल्दी शांत होती हूँ कुछ जवाब नहीं देती आप लोग बोलते रहते हैं उस समय जानते हो मैं क्यों शांत होती हूँ समय वहाँ अपने ऑफिस से यहाँ आती हूँ तो उस समय एक डायरेक्टर हूँ मैं कोचिंग की तो मैं उस अपनी पदवी को छोड़कर कर यहाँ पे इंटर करते हुए अपने अंदर एक टीचर का आह्वान करती हूँ और उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ वही जिस समय मैं आई उसी समय आप लोगों को भी शांत होना चाहिए आप उससे पहले क्या है एक आम आदमी है लेकिन जैसे ही मेरे सामने आएंगे तो आप एक स्टूडेंट हो जाते हैं विद्यार्थी अब आपके अंदर सीखने की भूख आनी चाहिए और वो कैसे आएगी जब आप शांत होकर अपने मन पे उसको विचार करेंगे आज हम बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि अरे हिंदी में मैं इतनी सारी चीजें गलतियां करता रहता था ये तो बस एक बार समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा तो उसी को हमें पढ़ना है तो मन को बिल्कुल शांत करो और अपने अंदर उस विद्यार्थी को ले आओ धारण कर लो जो विद्यार्थी सीखने की इच्छा रखता है ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले हैं वचन तो उससे पहले चलो शब्दावली कर लेते हैं शब्दावली में आज क्या पढ़ना चाहोगे <laughs> कुछ अच्छा सा पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द नहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द कुछ अच्छा सा नहीं है बहुत डेंजर है ठीक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं पेज नंबर एटी वन कौन सा सेट कराया इसमें कितने सेट किए हमने अभी तक एक ही किया है मेरे ख्याल से दो हो गए निशान लगा लिया करो आप लोग मैं तीन चार बैच पढ़ाती हूं ना मुझे याद नहीं रहता किस बैच में क्या चल रहा है चलो अभ्यास पेज नंबर एटी टू पेज नंबर बयासी मैं वाक्य बोलूंगी आपको उस वाक्य को एक शब्द में क्या कहते हैं ये मेरे साथ उच्चारित करना है जो आंखों से परे है परोक्ष संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कम खर्च करने वाला पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी जिस स्त्री का पति जीवित हो जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा अच्छा लिखा नहीं है यहां पे बस मैंने जस्ट बोला है आगे मिलेगा कहीं पर ठीक है तो सदवा का विलोम विधवा व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी और अपव्ययी का विलोम मित अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त जिसके आने की तिथि न हो अतिथि जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी नीले रंग का कमल इंदीवर जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद अद्ध प्रसूत अध्य का मतलब अभी ठीक है प्रसूत माने जन्म लेना जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज जो अमिस अमिस मतलब मांस नहीं खाता है जो मांस खाता है आमिस और आमिस का पर्यायवाची क्या है आमिस का पर्यायवाची पूछ रही हूं सामिस ठीक है आमिस सामिस निरामिस यह शब्द बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में आता है आपसे पूछ लिया जाएगा तो आमिस और सामिस का मतलब है मांस खाने वाला आमिस में ही स उपसर्ग जुड़ा है उससे बनता है स सा माने साथ ठीक है आमिस मतलब मांस तो आमिस सामिस हो जाएगा यानी मांस खाने वाला और निरामिस, निर का मतलब होता है नहीं ठीक है इस तरह से याद रखना जो खाना मुफ्त में मिलता है सॉरी जहां खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त जो कुछ नहीं जानता अज्ञ जो गणना के अयोग्य हो नगण्य जिसका आदि व अंत ना हो शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है उसे भी शाश्वत कहते हैं ठीक है दोनों का मतलब एक ही होता है जिसका आदि और अंत आदि मतलब शुरुआत ठीक है जिसकी शुरुआत और अंत का पता ना हो शाश्वत कहेंगे और जो हमेशा रहने वाला हमेशा मतलब वो तो हमेशा ही रहेगा तो शाश्वत जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष जिसकी गहराई नापी न जा सके अताह जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु; जिसकी माप तोल हो सके परिमेय दोपहर के बाद का समय अपराहन ये हो के नीचे न है ठीक है अपराहन ह का उच्चारण कम और न का उच्चारण पूरा आएगा जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल का विलोम मूक, मूक माने कम बोलने वाला ठीक है जो बहुत कम बोलता हो मुखर या मित भाषी या मूक ठीक है जो पढ़ जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर चलो इन्हें याद करिएगा कुछ पूछ सकती हूँ जो हमेशा नहीं रहने वाला है अभी हाँ, तो पढ़ा है जो हमेशा रहने वाला है वो भी शाश्वत और जो हमेशा नहीं रहने वाला है वो भी शाश्वत नस्वर या जो कभी ना कभी नष्ट होगा नस्वर उसे भी नस्वर कहते हैं प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रेम वदा ठीक है जीने की इच्छा रखने वाला जिजी विशा ठीक है समान रूप से ठंडा और गरम अरे याद करने का तरीका देखो सम माने समान शीत माने ठंडा उष्ण माने गर्म आराम से सम समीतोष्ण ठीक है जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत जिसका आवाहन किया गया हो आहूत चलो इन्हें याद करिए अच्छे से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन वचन आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे काफी सारे प्रश्न आते हैं वचन से और साथ ही साथ ये आपकी वर्तनी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वर्तनी शुद्धिकरण में हमें काफी सारी चीजें यहां से समझ में आती हैं वचन क्या क्या होता है देखो परिभाषा क्या कहती है संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना पता चले उसे क्या कहेंगे वचन कहेंगे ठीक है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं तीन प्रकार के एक वचन द्विवचन और बहुवचन तो वो संस्कृत भाषा के होते हैं तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहुवचन हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें एक वचन और बहुवचन तो यहां पर हमारी परिभाषा आती है संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे एक वचन और संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से अधिक होना बोध होता है उसे क्या कहेंगे बहुवचन ठीक है जैसे उदाहरण में दिया है लड़का रात किताब ये क्या है एक वचन रूप है इनका और अगर इनका बहुवचन रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा लड़के रातें किताबें अब यहाँ पे ये बताइए कि हमने तीन शब्द लिए और तीन शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाया इनमें आपको कोई अंतर नजर आ रहा है तीनों में क्या अंतर नजर आ रहा है एक ही मात्रा और अंकी की बिंदी मतलब हमें यहां पे एक चीज यहाँ पता चल रही है कि एक शब्द पे तो केवल एक ही मात्रा लगी है और दो शब्द ऐसे हैं जिस पे अंकी बिंदी लगी है तो पहला सवाल सवाल ये कि किन शब्दों पर केवल मात्रा लगेगी और किन शब्दों पर अंकी बिंदी आएगी तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है ये हमारा एक सवाल है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंकी बिंदी लगती है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंकी बिंदी नहीं लगती तो हमें ये चीज देखनी है कि किन शब्दों पे तो अंकी बिंदी लगती है और किन शब्दों पे अंकी बिंदी नहीं लगती अब एक प्रश्न है आप लोगों को उस प्रश्न को बताना है जिन छात्रों ने वचन पढ़ रखा है मुझसे तो वो छात्र शांत रहेंगे नए छात्रों को सीखने का मौका देंगे प्रश्न है यहां पर शब्द है आपका लड़का और इसका बताना है आपको बहुवचन बहुवचन क्या है इसका ये आपको बताना है अब आप में से बहुत सारे छात्रों ने ये कहा है कि इसका जो बहुवचन है वो क्या है लड़के ऑप्शन आपको दिया गया है लड़कों ऑप्शन सी दिया गया है ए एंड बी ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं अब जिन छात्रों ने इसका लड़के बताया है मैं एक वाक्य लिख रही हूं यहाँ पर वो बताएंगे कि उस वाक्य में जो शब्द है वो एक वचन है कि बहुवचन शब्द है लड़के ने रोटी खाई इसमें जो ये शब्द है ये एक वचन है कि बहुवचन एक वचन है तो अभी तो आप कह रहे हैं कि लड़का का बहुवचन लड़के है आप बताओ आंसर क्या है आप कहेंगे कि मैम लड़कों होगा क्योंकि इसका बहुवचन क्या बनेगा लड़कों ने रोटी खाई अगर हम इसे ऐसे लिखें लड़का रोटी खाता है इसका बहुवचन क्या होगा लड़के रोटी खाते हैं अब तो बहुत आसान हो गया ऑनलाइन वाले छात्र बताएं अब तो बहुत आसान हो गया आंसर तो लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा जल्दी आओ जहा सीट है बता दो बताओ जल्दी से फटाफट मैंने कहा है जिन्होंने वचन पढ़ रखा है शांति लगा के बैठे रहे बहुत ज्यादा आपको गुदगुदी मच रही है हा? मैं नए छात्रों से नए छात्र तो सस्पेंस से देख रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है आंसर क्या लगाए ए लगाए बी लगाए सी लगाए मैं नए छात्रों से पूछ रही हूं बताइए आंसर A, B, ए बी सी ऑनलाइन क्या कह रहे हैं ए और बी दोनों सी आंसर बता रहे हैं इसका मतलब देखो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ए अब आप कहेंगे कि मैम आपने यहां पे बताया है यहां लड़के ये बहुवचन है और यहां लड़कों ये बहुवचन है दोनों आया है तो उत्तर सी क्यों नहीं हुआ तो उत्तर सी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके प्रश्न ने पूछा है लड़का शब्द का बहुवचन और यहाँ पर जो लड़का शब्द है वो स्वतंत्र रूप में आया है ये जो संज्ञा है वो स्वतंत्र रूप से आई है और स्वतंत्र रूप से जो संज्ञा है उसका वचन जब हम बदलते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से बनता है अलग तरीके से और जो जब कभी हमारी संज्ञा वाक्य में प्रयोग होती है और अगर वो उसके साथ कारक चिन्ह लग जाए तो उसका वचन दूसरे तरीके से बनता है तो कहने का मतलब यह है अब यहां पे सीखना यानी सवाल आपका यह होता है कि दिमाग में अब यह आएगा तो फिर कब तो ए से इसका बहुवचन बनेगा और कब ओ से बनेगा क्योंकि हम देखते हैं जैसे मान लो अगर शब्द है मान लो मैं आपसे ये पूछती हूं ये प्रश्न तो आपने बता दिया आपको ये बताना है एक शब्द है शब्द है भालू अब बताओ इसका बहुवचन क्या होगा ऑप्शन क्यों दू बताओ शब्द बताओ हाथी चलो इसको छोड़ दो अभी तो ये पहली बार समझ में आया आपका हाथी बता दो अब दो उत्तर आ रहे हैं एक आ रहा है हाथियों और एक हाथी तो इसका बहुवचन आपको कहीं पर हाथी और कहीं पर हाथियों देखने को मिलेगा अच्छा हाथियों भी दो तरह से लिखा जाएगा ऐसे या ऐसे अब बताओ कितने छात्र हैं जो इसको सही कर रहे हैं और कितने छात्र हैं जो इसको सही कर रहे हैं और जो किसी में भी नहीं है उनका <laughs> दोनों में अंतर देखो अब मैं ये सारी चीजें आपको पहले क्यों बता रही हूं क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब तक आपके पास प्रश्न नहीं होंगे तब तक आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आया पहला प्रश्न हमारे सामने ये आया कि अगर हम किसी शब्द का वचन बना रहे हैं तो किसी शब्द में ए की मात्रा लग रही है और किसी शब्द में ए यानी बिंदी के साथ तो हमें ये जानना है कि इन दोनों में से या इनका दोनों का प्रयोग कब कब होता है ठीक है पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न कि जब हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एक ही मात्रा से भी बन रहा है और जिनमें ओ या यो की मात्रा से बन रहा है तो इनका बहुवचन कब तो एक मात्रा से बनेगा और कब ओ की मात्रा से बनेगा अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि जब यहाँ पर हाथी बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर सही है तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा सही क्यों नहीं हुई ये गलत क्यों हुआ ये सही हुआ है तो क्या कारण है फिर हमको कैसे पता चलेगा कि कब किसी शब्द में छोटी की मात्रा होती है और कब किसी शब्द में बड़ी की एक समस्या तो पहले ही थी कि शब्द में मात्रा जो आ रही है वो छोटी लगेगी कि बड़ी लगेगी और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कभी तो छोटी लेके आते हैं और कभी बड़ी तो ये भी हमारे लिए समस्या हो जाती है ठीक है जैसे शब्द है हमारा वधु अगर इसका बहुवचन बनाए तो वधुओं इस तरह से हो जाता है तो यहां पर छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा हो गई फिर यहां पे हमें आ, डाउट रहता है तो ये कब कहाँ कैसे होगा इन्हीं सारी चीजों का समाधान हम करने वाले हैं अपने वचन की क्लास में ठीक है वचन की क्लास जो हम पढ़ेंगे उसी शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको एक बात यहां पता चली देखो आप अगर बोलोगे ना तो मुझे पता चलेगा ये मत सोचो कि मेरे बोलने के साथ में आप अपनी आवाज को दबा लोगे कान बहुत ज़्यादा तेज है है मेरे ठीक आराम आराम से भाई, आराम से तो ये काम मत करो पहले मैं बता रही हूँ टॉपिक बहुत अच्छा है अगर इसको आप नहीं समझेंगे मेरे एक एक शब्द को समझना अगर आप बीच में बोलोगे ना तो मुझे पढ़ाने का जो एक आनंद आता है ना वो आनंद मेरा किरकिरा हो जाता है फिर मुझे लगता है मतलब मेरी बात को नहीं सुन रहे तो जिनको आपस में बात करनी है तो वो बिल्कुल आराम से प्यार से कह रही हो आराम से जा सकते हैं बाहर हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो यहाँ पे बैठे यहाँ अगर मेरे सामने एक छात्र भी बैठा होगा ना तो मैं उसे भी उतने ही मन से पढ़ाती हूँ बस ये है कि मुझे सुनने वाला होना चाहिए तो इसलिए शांत बैठो अब यहां पर ध्यान दो मैंने आपको इतने सारे प्रश्न बताए अब इन प्रश्नों का समाधान शुरू हो रहा है यहां से ध्यान देना जब हम वचन बनाते हैं एक वचन से बहुवचन तो हम दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं ठीक है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इसमें दो प्रकार की विधि आती है कौन सी निर्विभक्ति रूप और स्विभक्ति रूप कितने छात्र ऐसे हैं जो निर्विभक्ति रूप और स्विभक्ति रूप को जानते हैं नहीं जानते ना कोई भी या जो जानते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है अब इसको ध्यान से समझो दोनों में अंतर परिभाषा लिखने से पहले ही आपको शब्द से ही अंतर पता चलेगा इसमें मुझे यह बताओ कि निर्विभक्ति ये शब्द है और ये स्विभक्ति है इसमें शब्द में कौन सा टुकड़ा है जो एक जैसा आपको लग रहा है विभक्ति ठीक है इस विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह ठीक है क्या कहते हैं इसको कारक चिन्ह या परसर्ग और ये विभक्ति तीनों एक ही, ही होते हैं निर का अर्थ हो जाएगा नहीं और का अर्थ हो जाएगा साथ तो मतलब जिसमें कारक चिन्ह नहीं होगा वो कौन सा रूप कहलाएगा निर्विभक्ति और जिसके साथ कारक चिन्ह होगा वो कौन सा कहलाएगा विभक्ति बात समझ में आ गई तो हम यहां पर दो प्रकार से वचन पढ़ेंगे वचन के नियम एक निर्विभक्ति रूप में और एक विभक्ति रूप में तो निर्विभक्ति रूप वो होता है जिसके जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है अब कारक चिन्ह क्या तो कारक चिन्ह हम वचन खत्म करने के बाद तुरंत कारक चिन्ह पढ़ेंगे अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जैसे ने में, या पर या को या से इस तरह के जो आपके शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कारक चिन्ह कहते हैं बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पे लिखो नोट्स पूरा करो निर्विभक्ति के सामने एक लाइन लिखनी है लिखो यहां पे संज्ञा का वह रूप संज्ञा का वह रूप जिसके साथ संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति जिसके साथ कोई विभक्ति ब्रैकेट में लिखो कारक चिन्ह और कारक चिन्ह में लिख के ना आगे डैश करके ने मे, पर या को इस तरह से आदि आदि बंद कर लेना ब्रैकेट बंद लगी हो सॉरी नहीं लगी हो ठीक है नहीं लगी हो संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगी हो निर्विभक्ति रूप कहलाता है निर्विभक्ति रूप कहलाता है ब्रैकेट में लिख लो संज्ञा का मूल रूप संज्ञा का मूल रूप संज्ञा का मूल रूप ठीक है बात समझ में आ गई भक्ति में लिखिए संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति ब्रैकेट में फिर से लिखिए कारक चिन्ह कोई विभक्ति ब्रैकेट में कारक चिन्ह ऐसे ही लिख लो ने में पर को आदि ब्रैकेट बंद कारक चिन्ह जैसे आगे लिखा है ने में पर ये लिखकर ब्रैकेट बंद कर लो लगी हो सविभक्ति रूप कहलाता है स्विभक्ति रूप कहलाता है ब्रैकेट में लिख लो लड़के ने कॉमा घर में लड़के ने कॉमा घर में कॉमा लड़के ने, गर में, गर में, लड़के ने कॉमा घर में कॉमा भाई को भाई को आदि हम यहां पे संज्ञा के साथ कारक चिन्ह दिखा रहे हैं ठीक है वाक्य नहीं है इस तरह से संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह होगा तो ही उसके वचन पर क्या करेगा पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा तो शुरुआत करते हैं हम अपने निर्विभक्ति रूप की निर्विभक्ति रूप अब स्वाभिभक्ति रूप बाद में पढ़ेंगे स्वाभिभक्ति रूप बहुत छोटा सा है उसमें कुछ इतना नहीं है जो समझने वाली चीज है वो है हमारी निर्विभक्ति रूप तो निर्विभक्ति रूप का पहला नियम क्या कहता है उसे समझो पहला नियम कहता है कि आकारांत पुणलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं समझ में आ गई बात नहीं आई समझ में चलो इसे समझते हैं पहले ये बताओ आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको आकारांत एकारांत क्या होता है ये नहीं पता चलो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है जैसे मान लो हमारे पास अगर शब्द दिया हुआ है नाली अगर आपसे कोई पूछे कि ये शब्द हमारा कौन सा कारांत है तो आप इसको जानेंगे कि जब हम इस शब्द को तोड़ के लिखते हैं तो इसका अंतिम वर्ण क्या है तो ये इसका अंतिम वर्ण में व्यंजन है ल और इसका स्वर क्या है ई तो सबसे अंतिम वर्ण क्या आया ई तो ये क्या कहलाएगा इकारांत कहलाएगा ठीक है इसी तरह से मान लो जैसे शब्द है जया अगर हम इस शब्द में जाने कि इसका कारांत कौन सा है तो आपको पता है कि यह व्यंजन है और इसका स्वर क्या है आ लास्ट में कई बार हमारे छात्र ना इसमें क्या गलती कर देते हैं कारांत को समझने के लिए वो शुरुआत का वर्ण देख लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कहूं कि अगर आप इसको भी लिखेंगे ये पूरा शब्द है तो पूरा शब्द लिखने के बाद आपको क्या खोजना होता है अंतिम वर्ण ठीक है कारांत कारांत का मतलब है से अंत होने वाला ठीक है तो जिस स्वर से इसका अंत हो रहा है ये उसी का क्या होता है कारांत होता है तो ये क्या हो जाएगा अकारांत अब मान लो अगर हमारे पास ऐसे शब्द दिया हो जैसे हमने कहा भरत शब्द है भरत अब अगर कोई पूछे कि यह कौन सा कारांत है तो आप देखेंगे कि अंतिम वर्ण क्या है ये व्यंजन है त तो, और इसका स्वर क्या है अ तो ये क्या कहलाएगा अकारांत कहलाएगा ठीक है तो बात समझ में आ गई अगर किसी को डाउट कि कारांत न समझ में आया हो सबको समझ में आ गया ना ध्यान देना ये कारांत के ऊपर ही निर्भर करता है इसको समझना अगर आपको कारांत समझ में नहीं आएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कैसे बनाना है तो चलो हम वापस समझते हैं प्रश्न को जो हमारा पॉइंट था पॉइंट कह रहा था कि आकारांत पुर्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं अब इसको समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है पहली चीज तो हमारी क्या है संज्ञा समझ गए अब ये ऐसा नियम है कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों में ये नियम लागू होगा इसमें कोई अपवाद नहीं आएगा ये बात ध्यान रखना पहले आपको खोजना है कि वो शब्द क्या है संज्ञा और संज्ञा में भी क्या है पुर्लिंग आपको ये पता करना है कि वो पुरलिंग है या स्त्रीलिंग जब आप पता कर लेते हैं पुर्लिंग है अब आपको देखना है कि वो क्या है कारांत में आकारांत तो जैसे ही वो आकारांत आ गया तो आपको क्या करना है ये जो आ है अंतिम आ इसको हटाना है इसके स्थान पर ए का प्रयोग करना है जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें हमारे सामने एक शब्द है जैसे घोड़ा अगर हम यहां देखें शब्द में इसमें अंतिम ये सबसे पहले तो ये जानेंगे कि घोड़ा जो संज्ञा है वो क्या है स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग पुरलिंग है कारांत क्या है आकारांत है तो इस आ को हम बाहर निकालेंगे ये हो गया हमारा व्यंजन और ये हो गया हमारा स्वर इस आ को हम काट कर इसके स्थान पर क्या रखेंगे ए, तो आपको पता है कि अब ये ए इसको पूरा करेगा और जब ये इसको पूरा करेगा तो ये इसके साथ मात्रिक रूप में आएगा और क्या बन जाएगा घोड़े बात समझ में आ गई और उदाहरण दूं ये समझ में आ गया समझ में आ गया तो अभ्यास करिए फिर और यही यहीं, यहीं बैठकर शब्द आपके दिए हुए हैं सुनिश्चित करिए कि यह शब्द हमारा स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग ऐसे ही सारे शब्द आपके पुरलिंग ही दिए हुए हैं ठीक तो है तो सारे शब्द पुरलिंग हैं, तो पुरलिंग शब्दों के साथ ही आपको इसे क्या करना है इसको आकारांत हटाकर यानी आ को हटाकर ए लगाना है तो यहाँ पे सारे शब्दों का बहुवचन बनाइए और ये देखते रहिए कि ये ये शब्द हमारा पुरलिंग है जो हमारे पुराने छात्र हैं, जिनकी कॉपी में हो रहा है वो रफ कॉपी का प्रयोग करें ठीक है और मोबाइल देखना वर्जित है और जिसका भी मोबाइल है ना तो पड़ोसी छीन ले हाँ फिर उसी को दिया जाएगा पड़ोसी को ऑनलाइन वाले छात्र भी करें मैं इस चीज को चेक करूंगी ये ध्यान रखिएगा हाँ जी ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ दिलवा दो देखो बच्चा पीडीएफ आपकी इसमें है आपको इसे कैसे पाना है इसके बारे में मैं बता देती हूं ऑनलाइन वाले ध्यान दें ऑफलाइन वाला अपने काम करें जब आप लाइव क्लास देखते हैं तो लाइव क्लास में एक ऑप्शन बना हुआ है यहां पर लाइव इसके नीचे डेमो की डेमो का बैच और इसके नीचे सभी कक्षाएं ये जो आपका ऑप्शन है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बॉक्स खुलेगा जिसमें आपका तीन पार्ट वीडियो नोट्स और एक्सरसाइज ये जो जहाँ नोट्स दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपकी पीडीएफ डी है ठीक है सभी कक्षाओं वाले ऑप्शन में इसमें सारी कक्षाएं आपको मिलती हैं एक साल के लिए ध्यान रखिए और अगर फिर भी किसी को नहीं मिलता है तो वो ये छात्र स्टाफ से संपर्क करें और ऑनलाइन वाले छात्र ये मजाक नहीं है आप यहाँ कमेंट ना करें इस चीज को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है पेंसिल लेके बैठिए ठीक है कॉपी पर लिखिए नोट इसमें नहीं यहां पे कितना टाइपिंग करते रहेंगे हो गया ये हम्म अरे आ, मतलब क्वेश्चन करना जरूरी है क्या बंदर आकारांत है क्या पहले शांत बैठ जाओ पहले ये सोच लो कि आपको जितने भी शब्द हैं आप शांति से बैठो जब मैं कहूं ना कि वचन समाप्त हो गया और फिर आपको कोई शब्द समझ में ना आए वो पूछना समझ गए <coughs> हो गया ये शांत रहो आई न ठीक है आकारांत के मतलब अंतिम वर्ण क्या है आ है तो ई से हमें कोई मतलब नहीं ठीक है उसका लेना देना नहीं है हमें अंतिम स्वर से मतलब होता है उससे पहले चाहे कुछ भी आए हां जी हाँ कौन सी अंकी बिंदी अब यार दो तरह की अंकी बिंदी नहीं बिंदी जो है वो दो तरह की है एक तो है इसके बाद और एक है इसके नीचे आप किसकी बात कर रहे हैं मैंने बताई नहीं मैंने बताई नहीं बताई ना तो बस ये जान लो अभी टेंशन मत लो उस चीज को मैं जितना बता रही हूँ उतने पे फोकस करो मैं वही बता रही हूँ एक एक करके चलेंगे हम नोट इसमें समझ लो संबंध वाले शब्दों जैसे पिता चाचा मामा नाना दादा आदि इन शब्दों में ये पुर्लिंग शब्द हैं आकारांत हैं। इसके बाद भी इससे ये बहुवचन नहीं बनेगा क्या समझ में आया पिता का पिते नहीं होगा चाचा का चाचे नहीं होगा ठीक है मामा का मामे नहीं होगा हो सकता है कि हम ऐसे बोलते हों लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है हम कहते हैं मेरे सभी मामा आए हैं हम मामे नहीं बोलते कि मेरे सभी मामे आए हैं समझ गए तो ऐसा नहीं बोलेंगे नंबर टू शांति से बैठ जाओ नंबर टू कहता है कि एकांत इकारांत इकारांत उकारांत उन्त पुर्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है क्या बात समझ में आई आपको बात यह समझ में आई कि अगर एकांत ई इकारांत उ उकारांत अगर पुरलिंग संज्ञा है तो उसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही जैसा होता है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे शब्द है दिन तो दिन का बहुवचन क्या होगा दिन फूल फूल का बहुवचन क्या होगा फूल हाथ हाथ का बहुवचन क्या होगा हाथ लिख लो साथ में शिक्षक का बहुवचन क्या होगा शिक्षक अब आप कहेंगे कि मैम शिक्षकों हो सकता है या हाथ का हाथों हो सकता है तो आप इसे मुझे बताइए जैसे मान लो ये शब्द लेते हैं हम आप कहेंगे कि मैम हमने तो फूल का फूलों देखा है तो मैं आपसे वाक्य बनवा रही हूँ मैंने आपको वाक्य दिया कि बाग में फूल खिला है इसमें फूल शब्द का बहुवचन बनाते हुए आपको इसका बहुवचन बनाना है वाक्य का तो क्या बनाएंगे बाग में फूल खिले हैं तो आप बताइए पहला वाक्य जो था बाग में फूल खिला है और बाग में फूल खिले हैं इसमें फूल के ऊपर कोई अंतर आया एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसा है ना ठीक है जैसे शब्द है हाथी तो हाथी का बहुवचन हाथी ही होता है हाथी चिंगाड़ रहा है इसका बहुवचन बनाइए हाथी चिंगाड़ रहे हैं तो हाथी से हाथियों तो नहीं हुआ ना तो हाथी का बहुवचन क्या होगा हाथी, हाथी। अब दिमाग में बहुत तेज से प्रश्न उठ रहा होगा तो मैम हाथियों कब होता है तो अभी आराम से बैठो ठीक है परेशान मत हो बताएंगे कब होता है है ना तो पहले इतना समझना है पहली चीज ध्यान रखना हम पढ़ क्या रहे हैं निर्विभक्ति रूप संज्ञा का निर्विभक्ति रूप उसमें भी हम पढ़ रहे हैं पुर्लिंग संज्ञा का एकांत ई इकारांत ऊ उकारांत ठीक है किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम अगर एकांत या अकारांत या ओकारांत अगर संज्ञा हो तो उसका क्या करेंगे ऐसा प्रश्न आ रहा है अभी तक तो नहीं आया था बट आपने बोला तब आया है है ना? हाँ अभी, अभी अभी आया क्योंकि मुझे पता ये घर जाके आने वाला था आपके दिमाग में फिर परेशान करते मुझे तो याद रखो इन कारांत से तो हम इनका बहुवचन ही बनाते हैं तो जब भी किसी शब्द में ये कारांत लगा होगा तो वो बहुवचन तो ऐसे ही होगा ठीक है तो ये नहीं ध्यान देना इन पे ठीक तो ये बात समझ में आ गई अब इसके बाद चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पर <coughs> तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि एकांत संज्ञात स्त्रीलिंग संज्ञा में अगर हमारा ए आया है तो ए के स्थान पर ए लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़कर हम इसका बहुवचन बनाते हैं बात समझ में आई नहीं समझ में आई समझने की कोशिश करो देखो सबसे पहले तो हमारी संज्ञा और वो संज्ञा भी क्या स्त्रीलिंग समझ गए इसमें भी दो तरह की स्थिति पहला शब्द क्या है एकांत और दूसरा शब्द क्या है आकारांत अगर इस तरह से आता है एकांत है तो क्या होगा अब इसका बहुवचन बनाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं किसका ए का और ए क्या है चंद्रबिंदु बिंदु के साथ ये बात ध्यान रखिएगा यहां पर हमें ये कह रहा है कि अगर एकारांत संज्ञा है तो हम इस ए को हटाकर क्या लगाते हैं लगाते हैं ठीक है थीके? ए और ए इसमें अंकी बिंदी आ रही है और अगर आकारांत हमारी संज्ञा है तो हम इस आ के तुरंत बाद ए का प्रयोग करते हैं बात समझ में आई उदाहरण समझो जैसे मान लो शब्द है हमारा रात तो कौन सा कारांत है अकारांत है तो हमको पता है कि यहां पर ये हमारा व्यंजन और ये हमारा स्वर तो हमें पता चलता है कि ए आया है तो ए को काटकर हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे समझ गए जब हम इसे जोड़ेंगे तो आपको पता है जब ये इसको पूरा करेगा तो मात्रिक रूप में आएगा तो क्या बनाएगा रातें अब जब ये मात्रिक रूप में आया तो आपको पता है कि चंद्र बिंदु इस तरह से नहीं लगेगा तो चंद्र बिंदु किस तरह से लगेगा चंद्र बिंदु बिंदी में बदल जाएगा बात समझ में आ गई तो क्या हुआ रात का रातें हो गया अब मान लो हमारा शब्द है माता अब ये शब्द क्या है स्त्रीलिंग है और आकारांत है अंत में क्या आया है इसका ये है व्यंजन और ये क्या है स्वर आकारांत आया है तो आकारांत में हमें क्या करना है प्लस करके ए लगा देना है तो प्लस करके हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे अब आपको ये बात पता है कि इस व्यंजन के बाद दो स्वर आ रहे हैं एक तो आ आ गया और फिर ए आ गया तो पहला स्वर तो मात्रिक रूप में लग जाएगा और दूसरा स्वर कैसा आएगा अपने वास्तविक रूप में आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमें सीधा क्या करना है इसमें हमें इसमें सीधा करना है कि माता शब्द दिया है कुछ नहीं करना इसको उठाकर लिख देना है इस तरह से तो दोनों में अंतर समझ में आया किसी भी छात्र को ना समझ में आया हो तो पूछ लो दोबारा बता दूंगी कोई दिक्कत नहीं है देखो ये समझ में नहीं आया देखो हमारा जो नियम कहता है पहले हम उसको समझेंगे नियम ये कह रहा है कि एकांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए के स्थान पर ए लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमारी स्त्रीलिंग संज्ञा है और इस स्त्रीलिंग संज्ञा का जो बहुवचन बनाना है वो इससे बनेगा दोनों में तो यही लग रहा है तो दोनों में यही लगेगा बस अंतर क्या है कि जब हमारी संज्ञा एकारांत होगी तो उसमें इस ए को हटाकर ए जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर ए हटाया और ए जोड़ा तो जब ए यहाँ पे रहा ही नहीं तो ये त हमारा आधा हो गया तो इसको पूरा कौन करेगा ये ए करेगा तो ये मात्रिक रूप में आ गया पूरा करने के लिए और जो इसकी चंद्र बिंदु थी वो बिंदी में बदल गई तो ये नियम ऐसा होता है कि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं अब आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी है शायद अभी तो जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में हमें ये समझाया जाता है कि जो चंद्र बिंदु है अगर कोई मात्रा उसके साथ सुरेखा से नीचे आई हुई है तो चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु के रूप में लगता है लेकिन अगर कोई मात्रा सुरेखा से ऊपर आती है तो चंद्रबिंदु उसके साथ बिंदी रूप में लगता है कैसे अब ये सुरेखा क्या है तो जो आप शब्द लिखते हैं उस शब्द के पीछे जो ये रेखा खींचते हैं इसको कहते हैं सुरेखा मान लो जैसे आ है हमारा तो ये सुरेखा से नीचे की मात्रा है अब इसके साथ यदि हमारी चंद्रबिंदु आती है तो वो इस रूप में लगेगी ठीक है अब मान लो कि अगर हमारी ये मात्रा है ए तो ये क्या है सुरेखा से ऊपर निकल रही है तो इसमें चंद्रबिंदु अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये गलत रूप होता है ठीक है हम कैसे लगाएंगे इसके साथ चंद्रबिंदु बिंदी के रूप में लगाते हैं यह हमारी परीक्षा में भी आ जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है और हमसे कोई नॉर्मल भी पूछ सकता है कि चंद्रबिंदु का प्रयोग किस तरह से हो रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं मान लो हमने शब्द लिखा चांद तो हम चांद लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु इस तरह से लिखते हैं ठीक है अब अगर ये चांद आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा तो ये गलत होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखना बात समझ में आ गई तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको ऐसे लिखा ठीक और यहाँ पे क्योंकि आकारांत है तो हटाना तो हमें कोई स्वर है नहीं अगला हमें स्वर ही जोड़ना है तो वो इसी तरह से आ जाएगा अभ्यास कर लीजिए जल्दी से फटाफट हसना में चंद्र बिंदु आएगी उसमें अनुस्वार है वो आपका आपने पढ़ा नहीं चंद्रबिंदु और अनुस्वार में अंतर पढ़ा है और फिर भी भूल गए ये करिए बाकी सब लोग करिए इनका डाउट बताए देखो बड़ी जल्दी हो गया आपका ये तो आपका तो पूरा रफ कॉपी पे करो मैंने उन्हीं छात्रों के लिए कहा है जो रिपीट कर रहे हैं रफ कॉपी पे फिर दोबारा से करो इन्हें समझ गए और तो तुम इतने एडवांस कैसे हो गए जो मैंने कराया नहीं है तो नहीं अरे सुनो इतने एडवांस कैसे मैंने तो बताया नहीं है अगला नियम अभी तक यही वाला किया है, है। चलो एक आती हूं आराम से बैठ जाओ बाकी लोगों को करने दो अब तुमको हिंदी समझ में आने लगी है ना तो अति उत्साही हो गए हो हम्म <स्थाथा> 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 चलो मैं चेक करने आ रही हूं बनाओ देखो जो तुम पूछ रहे हो ना आपकी जो वर्णमाला की क्लास है उसमें वर्तनी की क्लास में मैंने आपको चंद्र बिंदु अनुस्वार और पंचमाक्षर बताया वहाँ पे मैंने आपको समझाया था उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग हिंदी शब्दों में आता है हंस जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है इसलिए वहाँ पे अनुस्वार लगेगा और जो हसना है वो एक क्रिया है और हिंदी की जितनी भी क्रियाएं वो सब हिंदी की हैं उनमें अगर कहीं पर बिंदु आता है तो वहां चंद्र बिंदु लगेगा इस बात को लिख लो ये नोट कर लो जी हाँ और अभी तक ये, ये ही नहीं सीखे तुम नहीं कंफर्म कंफर्म करने वाली चीज क्या है ये तो मैंने पिछली बार भी की थी तुम्हें कंफर्म मुझे याद रहता है ठीक है ये मत सोचा करो दिखाओ ठीक है समझ में आ रहा है ना बातें मत करो शांति से बैठो हम्म ठीक है दिखाओ कहा है तुम्हारी कॉपी ये तो रफ कॉपी है वो क्यों नहीं लेके आते नोटबुक वो, वो है कहाँ <audio> <lasers> कितने एडवांस हमारे छात्र हैं भाई देखो अगर मान लो कहीं पे मुझे कोई निशान लगाना हो या कोई चीज बतानी हो तो उसे कैसे करोगे रफ कॉपी पे रखे उसका खाना तुम्हारे पेट में आ जाएगा ये पता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं निरीही लापरवाही और कुछ नहीं दिखाओ इधर उसका ट्रीटमेंट कुछ दूसरे तरीके से चल रहा है तुम टेंशन मत लो मुझे पता है सुरेखा खींचो शब्दों पर ठीक है सुरेखा सही ढंग से नहीं खींच रहे हो आप भी सुरेखा सुरेखा का ध्यान रखो और एक ये जो ड लिखा है ना इसके नीचे बिंदी लगानी है ड और ढ जैसे आया है ना ध्यान से क्योंकि ये हिंदी शब्दों में लगता है दिखाओ कहा है किताब कहाँ है आपने अपने आप को क्यों नहीं छोड़ा रूम पर जल्दी जल्दी मैं आपको नहीं पता था कि हिंदी क्लास के लिए भी जाना है आज तो पकड़े गए हो आप लोग ठीक है और वैसे भी मैंने बताया नहीं था आज तो मैंने बिना बताए ही धावा बोला है ना क्योंकि मुझे पता है मैं बता देती हूँ ना एडमिशन हो जाने दो तो थोड़ा सा वैसे आज भी डेमो है भाग जाएंगे आज वो छात्र कि मैम देखती हैं ठीक है जो शब्द लिखा है ना जैसे घोड़ा उसके नीचे बिंदी लगी है ड और ढ़ के नीचे बिंदी का ध्यान रखो और शब्दों पर सुरेखा नहीं खींचते हो अगर लिखना पड़ गया ना आदत ये क्या मतलब आदत आपको आप कहोगे कि मुझे तो आशीर्वाद आरसीवाद लिखने की आदत है तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना हाँ सुरेख आदत आप बनाओ मैंने बता दिया ना मैं क्यों चेक कर रही हूँ आपकी कॉपी इसलिए चेक नहीं कर रही कि आपने जो ये बना रही हैं वो आप गलत लिख रहे हो इसलिए चेक कर रही हूँ कि आप लिख किस तरह से रहे हो और कितना मुझे आपको बताना है तो इस बात का ध्यान रखो नेक्स्ट टाइम चेक करूंगी मैं फिर पता चले कि एक समय के बाद कहोगे निधि मैम से पढ़ा था और कोई और दूसरे टीचर कहेंगे निधि मैम के स्टूडेंट देखो इन्हें यह भी नहीं आता गुरु शब्द में आपने छोटे ऊ की मात्रा की जगह बड़े ऊ की मात्रा लगाई है ठीक है उसे सही करना है दोनों में अंतर होता है जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा वर्तनी में समझाती हूं उस चीज को जो आपने लगाई है ये बड़े ऊ की मात्रा है और जो उसमें लगी है वो छोटे ऊ की मात्रा है ठीक है सुरेखा थोड़ा सा ध्यान से लगाओ देख लिया आपका दिखाओ दिखाओ सुरेखा नहीं लगा रहे हो कहीं पे दिखाओ जल्दी जल्दी फटाफट <coughs> सुरेखा सही ढंग से लगाओ लगाते नहीं हो ये बहुत गंदी आदत है आप भी ध्यान रखो सुरेखा का दिखाओ पीछे हम्म दिखाओ दिखाओ सुरेखा तो आप भी नहीं लगा रहे हो ना हो गया बातें मत करो सबका देख लिया ना छूट गए कोई छात्र इधर पीछे रह गए हैं बचे हुए हैं, हम्म ठीक है छ नहीं बनाई जाती है आपसे दिक्कत होती है शुरू से ऐसे बनाया अब अब सुधारना जितना मैंने लिखवाया उतना ही लिखा उसके बाद ये पूरा नहीं करवाया हाथी तक मैंने लिखा उसके बाद पूरा नहीं किया मतलब अब तो मैंने देख लिया इसलिए अब हो जाएगा आपने भी गुरु पर बड़े ऊ की मात्रा बनाई है ध्यान रखना है सर हम्म दिखाओ अरे शांति नहीं रख सकते क्या घोड़े गधे कपड़े इन तीन शब्दों पर आपने अंकी बिंदी लगा दी है ऊपर उसे सुधार करिए ठीक है <coughs> गुरु पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई है आपने भी देखो इधर ध्यान दो जो ये शब्द आप लिख रहे हो गुरु इस पर ये मात्रा लगती है हमेशा याद रखना इसे छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं रा पर छोटे ऊ की मात्रा ये होती है और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है इसे कैसे याद रख सकते हो छोटे ऊ की मात्रा ये होती है बड़े ऊ की मात्रा ये होती है तो बड़े ऊ की मात्रा अपना रूप नहीं बदलती ठीक है तो बड़ा होता है मनमानी करता है तो इस तरह से याद रखिएगा कि बड़े ने अपनी मनमानी की इसने अपना रूप नहीं बदला छोटे को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इसने अपना रूप बदला अब कई बार होता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी मात्रा ये दी हुई है तो क्या पता यही बड़ा हो तो याद रखना ये बड़ा नहीं है छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा उ तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं हम यहां पर मैंने देखा है आप में से बहुत सारे छात्रों ने सुरेखा की गलती करी है सुरेखा नहीं लगाते हैं सही ढंग से मेरा देखने का उद्देश्य यही होता है कि मुझे पता चले कि आप लेखन में कौन सी गलतियां कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा एक आपका ये ड होता है जब आप हिंदी भाषा के शब्द लिख रहे होते हैं जो हिंदी के शब्द हैं तो उसमें आपको ये बिंदी लगानी होती है पहला शब्द छोड़कर जिन छात्रों ने वर्णमाला से क्लास ली है उनको ये बात पता होगी लेकिन जिन्होंने नहीं ली है वो समझ लें ये ड और ये ठीक है ड और ये ढ और ये ढ थोड़ा सा अंतर होता है बहुत थोड़ा सा मामूली सा अंतर होता है इनके उच्चारण में तो यहां पे आप ध्यान देना जब इनका हम प्रयोग करते हैं इनका प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द की शुरुआत में जैसे हम लिखते हैं डकार या हम लिखते हैं ढोलक ठीक है तो शुरुआत हुई तो शुरुआत में हम बिना बिंदी वाले का प्रयोग करते हैं लेकिन ये जो है हिंदी शब्दों में इनका प्रयोग होता है पहला वर्ण छोड़कर जैसे सड़क तो पहला वर्ण छोड़कर कहीं पर भी इसका प्रयोग होगा दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर कहीं पर भी तो वहां हम बिंदी लगाते हैं ठीक है जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर शब्द आ गया हमारा जैसे पढ़ना तो हम पढ़ना लिखते हैं तो इसमें आ जाता है दूसरे स्थान पर ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अब जैसे मान लो एक शब्द है निडर इसमें आप बिंदी नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते क्योंकि यह संस्कृत शब्द है इनका प्रयोग कहाँ होगा हिंदी शब्दों में केवल हिंदी शब्दों में तो जिन शब्दों में जो शब्द संस्कृत के हैं जैसे ब्राह्मण आ जाएगा या जैसे उद्यान आ जाता है जैसे पंडित आता है इस तरह के शब्द उनमें बिंदी नहीं लगेगी तो आप कहेंगे कि तो बीच में आ रहे हैं तो वो संस्कृत शब्द हैं जैसे हम अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं रोड तो ये आ जाता है हमारा तो इसका आ, इसमें भी बिंदी नहीं लगेगी ये इसमें क्यों नहीं लगी क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो इनका प्रयोग जो होता है वो केवल हिंदी शब्दों में होता है तो इसका तरीका क्या है इसका तरीका यह है कि आपके सामने जो शब्द आ रहे हैं उन शब्द को आप पहचानिए कि बिंदी लगी हुई है तो वहाँ पर सीखे बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं लेकिन जितने भी होते हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आता है हमारा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई को लघु बनाकर या लगाते हैं अब ध्यान दीजिए कहना क्या चाहता है हम समझेंगे इसे यहां पर हम बात करेंगे स्त्रीलिंग संज्ञा की किसकी बात करेंगे स्त्रीलिंग संज्ञा और वो कौन है इकारांत है और इकारांत है ठीक है इकारांत और इकारांत को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे या जिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वो है या बातें क्यों कर रहे हो ठीक है वो क्या है या नियम कहता है कि यदि इकारांत यानी छोटी ई की मात्रा आई है तो इसका प्रयोग ई के तुरंत बाद या लगाकर हम इसका क्या बना देंगे बहुवचन जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द है हमारे सामने रीति रीति शब्द आया है तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे रीतियां इस तरह से हमने लगा दिया बन गया ठीक है और अगर ई का अंत है तो इसमें हम क्या करेंगे इस ई को पहले किस में बदलेंगे ई में और फिर उसके बाद या का प्रयोग करेंगे मतलब कहने का मतलब क्या है जो दीर्घ है उसको लघु में बदलेंगे और उसके बाद लगाएंगे जैसे मान लो शब्द है हमारा नदी अब नदी का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसमें ये क्या है मात्रा हमारी दीर्घ है तो हम इसको बनाएंगे पहले लघु और फिर उसके बाद हम या लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे जैसे नदी दो पे छोटी ई की मात्रा और फिर य लगाएंगे नदियां समझ में आ गया तो चलो अभ्यास करो शब्द है छड़ी बड़ी ई की मात्रा आई है तो क्या होगा छड़िया इसे पहले छोटी में बदलेंगे तब लिखेंगे यहां पर ठीक है जैसे गाड़ी तो क्या लिखेंगे गाड़िया जैसे रीति है छोटी की मात्रा पहले से ही है तो क्या हो जाएगा रीतियां जैसे साड़ी है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे बड़ी की मात्रा को छोटी में बदलेंगे और यहां बनाएंगे साड़ियां हो जाएगा नारिया छोटी की मात्रा में बदलेंगे बड़ी ई को नारिया और ऐसे मत लिख देना कि मेरी तरह लिख दो यहां पे लिखना पता चले कि यहीं लिख दो मैंने तो ऐसे ही लिखा है बस धोती धोतिया दरी दरिया नीति यहां लग जाएगा नीतियां नालियां कुर्सी शब्द है तो देखो जो आपकी मात्रा दी हुई है यहां पर बड़ी ई की उसे किस में बदलना है छोटी ई की और जो र की रह है, वो ऐसे ही आ जाएगा तो शब्द हो जाएगा कुर्सियां घड़ी तो घड़िया सवार ठीक है की मात्रा नदियां बच्ची बच्ची शब्द है ध्यान देना इ की मात्रा इधर है तो इधर लेके आएंगे तो इस चे को भी ये सहारा देगी तो इसलिए यहां से लगेगा बच्चियाँ ठीक है जातियाँ समझ में आ गया कोई और शब्द हाँ हम्म हाँ जी हिंदी शब्द है गाड़ी रेलगाड़ी बैलगाड़ी ये सब जो हम प्रयोग करते हैं ये हिंदी शब्द है समझ में आ गया ना अरे गाड़ी शब्द हिंदी शब्द है रेल अंग्रेजी का शब्द है तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो क्या है संकर शब्द है ये पढ़ा था ना हाँ संकर शब्द है अब इसके बाद देखो उकारांत तो अब आप समझ गए होंगे स्त्रीलिंग संज्ञा है उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में जो ऊ है दीर्घ ऊ है उसको लघु में बदलेंगे और फिर ए लगाएंगे ठीक है इस तरह से बहुवचन बनाएंगे जैसे उदाहरण दिया है वस्तु तो हो गया वस्तुएं बड़ा छोटा ऊ है पहले से ही ऐसे ही सेम टू सेम लग जाएगा धैनु तो धैनुए बहु बड़े ऊ की मात्रा है छोटे ऊ में बदलेंगे और ए लगा देंगे बहुए वधु बड़े ऊ की मात्रा है छोटे ऊ में बदलेंगे ए लगा देंगे गऊ बड़े ऊ की मात्रा है छोटे ऊ में बदलेंगे और ए लगा देंगे गऊ ठीक है इसके बाद किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं ध्यान दो तो जैसे चिड़िया शब्द है अंत क्या है? किससे हो रहा है या से हो रहा है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे चिड़िया बुढ़िया बुढ़िया बिटिया बिटिया चुहिया चुहिया गुड़िया गुड़िया डिबिया डिबिया कुटिया कुटिया बिंदिया बिंदिया इस तरह से हमने देखे कुछ शब्द यहां लिखे हैं अगर आपको कहीं पर भी मिलते हैं रास्ते में शब्द तो आप इनको आराम से पहचान सकते हैं समझ सकते हैं बात समझ में आ गई तो अब देखो यहां पे हमने क्या पढ़ा अब इसको याद कर लो ये है पुर्लिंग संज्ञाएं अब ट्रिक बनानी है तो जहां पर आपका वचन लास्ट हो रहा है उसमें एक पेज एक्स्ट्रा दिया गया होगा देखो हम्म नहीं दिया है तो स्थान होगा नीचे जो स्थान है हाँ तो अरे इसमें आधा पेज आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है ठीक है जहाँ पे वाक्य प्रयोग है वाक्य प्रयोग के बाद पूरा आधा पेज खाली है ना तो वहीं पे वाक्य के लिए चार लाइन छोड़ के उसके बाद से लिख लेना अगर लिखना है तो नहीं तो याद भी कर सकते हो ठीक है देखो संज्ञाओं को आपने दो भागों में बांट लिया एक में पुर्लिंग और एक में स्त्रीलिंग पुर्लिंग में आपने सबसे पहले रखा कि एकांत ई इकारांत उ उकारांत ये संज्ञाएं इनका एक वचन बहुवचन एक होता है ठीक है एक वचन प्लस बहुवचन दोनों एक दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यहां पर जो आकारांत है तो इस आकारांत का बहुवचन बनाने के लिए हम इस आ को हटाते हैं और क्या लगाते हैं ठीक है इसका प्रयोग करते हैं उदाहरण के तौर पर रख सकते हो जैसे मान लो शब्द है रास्ता तो कैसे पहचान करोगे रास्ता सबसे पहले पुर्लिंग है और फिर क्या है आकारांत है इसके आ को हम हटाएंगे और ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रास्ते हो जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा ठीक है पुर्लिंग संज्ञाओं में ये हो जाएगा हम बात करेंगे स्त्रीलिंग संज्ञा में तो स्त्रीलिंग संज्ञा में अगर हम देखें तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के या तो आप ऐसे रखें कि इस ए से जो बहुवचन बनता है वो किस किस का बनता है तो आपको पता चलता है कि एकांत और आकारांत का बनता है और उन्त और उन्त का बनता है जिसमें आप जानते हैं इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं आप तो इसे आप कर सकते हैं कि ये इसको हटाकर हम क्या जोड़ते हैं इसे जोड़ते हैं ठीक है और इसमें प्लस इसके साथ कर देते हैं क्रॉस का मतलब है उसको हटाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये इस रूप में आ जाता है हर शब्द के साथ ठीक है और बाकी इसमें यह इस रूप में आता है हर शब्द के साथ यहां पर हम देखेंगे तो इस ऊ के बाद हम क्या करेंगे ए का प्लस करेंगे और इस ऊ में क्या करेंगे ये जो हमारा ऊ है इसको परिवर्तित करेंगे लघु में और फिर उसके बाद इसको जोड़ देंगे ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा और दूसरा इसमें हमारे पास जो बचता है वो ये बचता है कि जो हमने बनाया या। इस या का प्रयोग हम कब करेंगे ई रांत और ई रांत के साथ ई e के साथ क्या करेंगे डायरेक्ट इसे हम जोड़ देंगे यहां पर यह इसके साथ हो गया और जो बड़ी ई e है इसमें क्या होगा ये ई e परिवर्तित होगी ई e में ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे ये बदलेगा इसमें और इसे फिर हम यहां जोड़ देंगे और इस यहाँ का प्रयोग कहां हो रहा है या अंत वाली संज्ञा समझ में आ गया यह आपकी सॉट्रिक है और जब आपकी परीक्षा हो परीक्षा की परीक्षा के दिन पहले क्यों करना है आपको पहले से याद रखना है इसको इसे याद रखने में कोई ज्यादा भार लगेगा क्या आराम से अब मान लो जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि बंदर बंदर का वचन बताना है ये लिख लिया आप लोगों ने इसे नीचे करूं क्या मतलब ऊंचा करूं? यहां तक तो लिख लिया होगा ना अगर पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे ऊंचा कर देती हूं थोड़ा सा पर ये ऊपर वाला छिप जाएगा हाँ नीचे वाला वो ये वो है चिड़िया बिंदिया जो हमने प्रयोग किया है कि या अंत वाला देखो किताब में देखो किताब में दिया हुआ है कि कोई स्त्रीलिंग संज्ञा है और उसका अंत या से हो रहा है जैसे शब्द है चिड़िया चिड़िया में अंत में क्या है या तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे केवल चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे या तो आप चंद्रबिंदु लगा दो या या की जगह यहाँ लगाओगे तो बात वही हो गई ठीक है तो इसे यहाँ ऐसे कर सकते हो कि इसमें केवल चंद्रबिंदु या लास्ट में हमको यहाँ दिख रहा है ना इस तरीके से समझ में आ गया आप देखो मिटा दू इसको अब तो आप अपने आप बना सकते हैं ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जरूरी नहीं है मुझे बना के देना है ये आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हैं देखो आप जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि बंदर का बहुवचन बताओ तो आप क्या बनाओगे बंदर का बहुवचन आपको दिमाग नहीं लगाना कि बंदरों होगा कि बंदरे बनेगा क्या बनेगा कुछ नहीं लगाना आपको दिमाग कैसे लगाना है आपको दिमाग लगाना है पहली चीज कि ये बंदर जो संज्ञा है स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग तो पुरलिंग आ गई फिर दूसरा पॉइंट देखना है कि एकांत है आकारांत है कारांत है तो मतलब बंदर का बंदर होगा बंदर पेड़ पर बैठा है बंदर पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है तो बंदर का बंदर हो जाएगा ऐसे ही जैसे मान लो एक छात्र ने पूछा कि चाकू का बहुवचन क्या होगा तो आप ऐसे शब्दों को उठा के मत पूछो कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा अपने आप से देखो आपको क्या खोजना है चाकू स्त्रीलिंग के पुणलिंग तो और एकांत की उकारांत कौन सा कारांत है तो उन्त है तो चाकू का चाकू ही होगा चाकू ऊपर रखा है और चाकू ऊपर रखे हैं तो चाकू का चाकू ही होगा और अपनी जानकारी के लिए अपने आप में विश्वास करने के लिए वाक्य प्रयोग करके आप देख सकते हैं ठीक है और अगर मैं ऐसे कहूं कि चाकू से हाथ कट जाएगा और इससे आप जो बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे चाकुओं से हाथ कट जाएगा ठीक है तो अब चाकुओं क्यों हुआ क्योंकि चाकू के बाद से आया और जो कि कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह तुरंत प्रभाव डालता है ठीक है तो ये क्यों ऐसा हुआ तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं विकारी शब्द ही विकारी पद का मतलब क्या पढ़ा था हमने जिनका जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि में से किसी एक का भी प्रभाव पड़ता हो वो क्या है विकारी पद तो हम विकारी पद पढ़ रहे हैं विकारी पद में हमने संज्ञा पढ़ा और ये संज्ञा के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं लिंग वचन और कारक ठीक है तो इससे आपको पता चलता है कि कारक चिन्ह जो है वो प्रभाव डालते हैं संज्ञा के ऊपर ठीक है तो इसी तरह से मान लो अगर आपके आ, आपको अगर कोई ऐसा शब्द दिया जाए जैसे पुस्तक आ गया मान लो पुस्तक शब्द आपके सामने दिया है कि इसका बहुवचन बताओ तो आप कैसे खोजेंगे कि पुस्तक पुलिंग है कि स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग ए है कि आकारांत तो ऐ है तो आपको पता चल गया इस ए को हटाकर क्या लगाएंगे ये लगाएंगे जब ए हट जाएगा तो ये मात्रिक रूप में आ जाएगा क के ऊपर मात्रिक रूप में आ गया तो चंद्र बिंदु बिंदी के रूप में आ जाएगा अब आपको ये पता चला कि बिंदी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे स्त्रीलिंग में ठीक है तो स्त्रीलिंग संज्ञाएं जो होंगी उनमें क्या लगेगा बिंदु लगेगा अभी बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने अभी ऐसा नहीं है कि यही सवाल है अभी कई सारे सवाल हैं जो आपके बाकी हैं जो आपको करना है जैसे है का प्रयोग करते हैं और हैं का प्रयोग करते हैं अब इसका प्रयोग कब कहाँ करते हैं जैसे रही है कहीं रही हैं का प्रयोग करते हैं तो कहीं पर रहे हैं का प्रयोग करते हैं कभी तो एक बार एक जगह ही बिंदी लगा रहे हैं और कहीं पर दो जगह बिंदी लगा रहे हैं तो ये इस तरह के सवाल आपके दिमाग में अभी बहुत सारे होंगे तो अभी हमारी वचन की एक दिन की क्लास और चलेगी तब उसके बाद फिर हिंदी में कोई भी शब्द है उसका बहुवचन बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं खुश